पैन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस करेक्शन ऑनलाइन कैसे करें, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद में आप अपना पैन कार्ड में कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी डिटेल्स और मेल आईडी तक आप चेंज कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में जाके बताऊंगा। इससे पहले आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके जा रहा हूँ और वो कौन सी वेबसाइट है और उसका इंटरफेस कैसा है, वो कैसे वर्क करती है, उस पर पैन कार्ड करेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, तो तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, तो देखिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो सर्च बार है ना ऊपर एड्रेस बार, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, मैं जो भी लिंक बता रहा हूँ NSDL, ठीक है, तो यानी इस लिंक को कॉपी करना, onlineservice.nsdl.com, ये लिंक आपको टाइप करनी है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा NSDL का, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने एक तो अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यानी इस फॉर्म में मैं आपको बताता, तो देखिए आपके सामने ये एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर डॉट पर क्लिक करें, तो देखिए अगर बनाना है, अगर आपको पैन कार्ड नया, तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको करेक्शन करना है पैन कार्ड में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, चेंज और करेक्शन इन एग्जिटिंग पेन डाटा, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, नो चेंजेज इन एग्जिटिंग पैन डाटा, ठीक है। यहाँ पर इसको, इस ऑप्शन को क्लिक करें, तो यानी मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी पर ऑप्शन कैटेगरी का है, तो कैटेगरी पर क्लिक करें, यहाँ पर इंडिविजुअल करना है। उसके बाद में टाइटल में आपको टाइप करना है, जैसे कि सरी है या सरीमती है या कुमारी है, जो भी टाइटल्स है वो टाइप करें, ठीक है। तो जैसे कि सरी पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद में मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इसके बाद में ऑप्शन आता है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो पहले तो यहाँ पर लास्ट नेम आपको टाइप करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कुमार, ठीक है, ये कुमार कर दिया। और फर्स्ट नेम में जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए टाइप कर दिया रमेश, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक रिकॉर्पोरेशन ऑब्लिक फॉर्मेशन DDMMYY, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दिनांक को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि ये मैंने जैसे 1985, उसके बाद में जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जुलाई टाइप कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने 3, तो 3 जुलाई 1985, ठीक है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, इसके सामने देखिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेल आईडी डालनी है, तो एग्जांपल के लिए मैंने एक मेल आईडी डाल दी। मेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है वीदर सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर यस करें, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर आपका डालें, जो भी पैन, जो भी करेक्शन करना है ना वो, तो एग्जांपल के लिए मैं एक पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद में कैप्सा, यहाँ पर कैप्सा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर कैप्सा फिल करना है, जो भी ये कैप्सा लिखा हुआ है ना टी, तो चलो मैं टी फॉर तमिलनाडु, उसके बाद में वाई फॉर यमरेल याक, उसके बाद में डी फॉर दिल्ली, उसके बाद में 6 और V फॉर वोडाफोन, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, बाई सबमिटेशन डाटा टू अस एंड द यूजिंग NSDL ई गवर्टिन वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डाटा
भेजना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, चेक मार्क लगाने के बाद में सबमिट का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप ये पेज थोड़ा लोडिंग होगा। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर ये जो आपका टोकन नंबर है ना, ये टोकन नंबर को आपको कॉपी करना है, ये जो टोकन नंबर, ठीक है, ये सेव करके रखना आपको। तो यहाँ पर पहले मैं इस टोकन नंबर को कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉरम पर जाना है, तो कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉरम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है सबमिट डिजिटल थ्रू ई केवाईसी ई साइन पेपरलेस। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप आधार कार्ड के द्वारा ई केवाईसी के माध्यम से करना चाहते हो तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। दूसरा है सबमिट स्कैनेड इमेज थ्रू ई साइन। उसके बाद में तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो यहाँ पर ये मैं तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये डाक के माध्यम से भेजना है। उसके बाद में चलते हैं आगे की तरह। यहाँ पर देखिए फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड येस या नो, ठीक है। तो यहाँ पर येस कर दिया। इसकी फीस है तो 107 रुपये की फीस कटेगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पैन कार्ड नंबर आ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आधार नंबर से अगर आपको केवाईसी ई केवाईसी करके करना है तो यहाँ पर आधार पर चेक मार्क लगाए, और बिना आधार नंबर से करना है तो यहाँ पर चेक मार्क अनटिक कर दे, ठीक है। उसके बाद में ईआईडी नंबर, इस पर कुछ नहीं करें। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है नेम एज पर आधार ओनली फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी नाम है वो टाइप करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने नाम टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद में फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर ये जो टिक लगाए चेक लगाए चेक मार्क करें। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल आएगी टाइटल्स में सारी, उसके बाद में लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो, उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी। अब आपको विशेष ये ध्यान देना है कि अगर आपको जन्म तिथि में कोई सुधार करना है तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, ये बॉक्स है ना, मैं जूम करके बता देता हूँ, ये तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, ठीक है। अगर आपको जेंडर में अगर आपको कोई करेक्शन करना है, जैसे कि किसी कोई मेल है अगर उसके गलती से किसी ने फीमेल कर दिया, तो अगर वहाँ पर चेंज करना है तो इस पर चेक मार्क लगाए, और प्लीज़ सेलेक्ट पर ऑप्शन आए तो यहाँ पर मेल को सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फोटो मिसमैच सिग्नेचर मिसमैच और डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेशन ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन। अब आपको फोटो मिसमैच में चेक मार्क लगाना है, सिग्नेचर मिसमैच पर चेक मार्क लगाना, अगर फोटो आपका मिस्टेक है तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, ठीक है। अगर आपका साइन गलत है तो यहाँ पर सही करें, चेक मार्क इस पर लगाए, ठीक है। अगर आपके कोई परिवार की डिटेल्स में कोई पेरेंट्स का नाम में मिस्टेक है तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, ठीक है। उसके बाद में आपका फादर का लास्ट नेम, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मैं एक बंदे का मैं पूरी डिटेल डाल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मेरा दोस्त ही है। अब जैसे कि ये मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद में उसके मदर नेम अगर यहाँ पर टाइप करना है तो ये ऑप्शनल है, कोई अगर नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट नेम भी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर किसका नाम प्रिंट होना चाहिए, फादर का या मदर का, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। जैसे फादर पर तो क्लिक कर सकते हो, मदर का है तो मदर पर क्लिक करें। उसके बाद में सारी डिटेल फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा रेजिडेंट और ऑफिस प्लीज टिक एप्लीकेबल। तो यहाँ पर रेजिडेंट पर क्लिक करें, तो मैंने रेजिडेंट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नॉट बी एबल टू एविल ई केवाईसी सर्विस। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस डाल दे, ठीक है, जैसे कोई भी एड्रेस है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर परमानेंट बिल्डिंग विलेज, तो यहाँ पर जैसे कर सकते हैं ये कर दिया,
अब यहाँ पर जैसे एरिया, लोकलिटी, तालुका जो भी है, तो जैसे आपका तालुका कौन सा है वो डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल डालने के बाद में स्टेट, यूनियन थेरोटी, तो यहाँ पर क्लिक करें, सेलेक्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पिन कोड नंबर डालें, तो पिन कोड नंबर जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया। ठीक है, पिन कोड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सारा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो कंट्री सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि मैं इंडिया कर देता हूँ, INDIA। ठीक है, ये India 91 वाला, ठीक है, कंट्री कोड, ISD कोड। ठीक है, उसके बाद में मेल आईडी यहाँ आ गई। उसके बाद में मेंटन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर इन डिवेरेंट्री एलोटेड टू। ठीक है, तब अगर आपके पास में अगर दो तीन पैन कार्ड हैं जो भी, तो यहाँ पर से उसका नंबर डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में और भी कोई है तो यहाँ पर चेक मार आपको लगाना है, अगर कोई और एक्स्ट्रा पैन कार्ड है तो। ठीक है, और यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी है जो भी है आपके पास में, दो तीन, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करें। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको क्या, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसके बाद में बहुत सारे हैं, तो जैसे कि मैं कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस पर क्लिक करते हैं। एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे कि एड्रेस प्रूफ में मैं अपने हिसाब से जो भी डाल रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट डाल सकते हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाल सकते हो। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस पासबुक का भी डाल सकते हो प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन कंट्री ये भी डाल सकते हो, आधार कार्ड इशू ये भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो ये देखिए, मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड डाल दिया, प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने आधार कार्ड डाल दिया, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है, तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डाल सकते हो। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर की रसीद डाल सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर हो तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में एफिडेट शो बिफोर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई आपको प्रमाणित किया हुआ कोई है डॉक्यूमेंट्स, तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटी कार्ड, वोटर आईडी भी डाल सकते हो। उसके बाद में फोटो आइडेंटी कार्ड इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है वो डाल सकते हो। इसके बाद में जो भी आपको उचित लगे, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर डिक्लेयर IV, तो यहाँ पर अपना नाम डालें, जैसे उसके बाद में सेलेक्ट पर क्लिक करें, हिम सेल्फ पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिम सेल्फ और हेयर सेल्फ, तो आपको हिम सेल्फ क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर वी हैव द इनक्लोज्ड नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द, कितने डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते साथ में जो भी प्रूफ के साथ में, जैसे तीन डॉक्यूमेंट, तो चलो यहाँ पर तीन सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद में प्लेस, तो प्लेस में जो भी आप कहाँ से भेज रहे हो तो वो एड्रेस यहाँ पर डालें। उसके बाद में डेट आ जाएगी, डेट आने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद में यानी एक मेरे कमी रह गई थी, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था, सॉरी, वो मैंने वोटर आईडी डाल दिया था। अब प्रूफ ऑफ पैन, तो यहाँ पर क्लिक करें, कॉपी ऑफ पैन कार्ड या कॉपी ऑफ द एलोमेंट लेटर या नो डॉक्यूमेंट, तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी साथ में भेजनी है, सॉरी, इसी वजह से ये सबमिट नहीं हो रहा था। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा,
ठीक है, अब क्या एरर आ रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर एक कमी रह गई थी, यहाँ पर अपने इंडिया डालना है, सॉरी, इसी वजह से सबमिट नहीं हो रहा था। चलो मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर दिया, अब क्या कमी रह रही है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया आ गया, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं एड्रेस में, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है, सारा डिटेल आपको सही करना है, ठीक है। ठीक है, ये डाल दिया, अब इसके बाद में पिन कोड नंबर, तो पिन कोड नंबर ये डालना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद में सारा डिटेल एक एक बार पूरा चेक कर सकते हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो, ठीक है, एक एक मैं चेक कर सकता हूँ, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेल आईडी आ गई, उसके बाद में मोबाइल नंबर आ गए, ठीक है। अब चलिए बैक करके मैं वापस देखता हूँ कोई कमी तो नहीं है। एंटर आधार लास्ट डिजिट, ठीक है, यहाँ पर आधार के लास्ट डिजिट नंबर डालने हैं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आधार के लास्ट डिजिट नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर ऊपर करके देख रहा हूँ कोई कमी तो नहीं रह गई, उसके बाद में चेक करते हैं। यहाँ पर नाम भी आ गया, सारा डिटेल्स, फुल नेम आ गया, यहाँ पर पूरा नाम आ गया, मिडिल नेम, उसमें जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब कोई कमी जैसे कि फादर्स नेम में भी सही आ गया। अब यहाँ पर सारा डिटेल सही हो गया, एक बार वापस बैक करके देखते कोई बाकी तो नहीं रहा। यहाँ पर ये स्टेट, ऑनलाइन, इंडियन एड्रेस, ये पूरा डिटेल्स आपको गाइडलाइन पर पूरा देखना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पूरा प्रोसेस कंप्लीट आपको फॉर्म करना है, ठीक है। फॉर्म पूरा कंप्लीट जब तक ना हो उसके बाद में वो अपलोड नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली फिल द मैंडेटरी फील्ड हाईलाइट इन द रेड, ठीक है, तो रेड जो भी हाईलाइट हो रहा है ना वो देखना है आपको, वो भी देख रहा हूँ मैं। अब सारी डिटेल फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करते हैं, अभी पता चलेगा। ये देखिए फॉर्म पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एंटर आधार फर्स्ट डिजिट नंबर, ठीक है, चलो मैं वो भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब नेम ऑफ पर आधार, ठीक है, तो यहाँ पर आधार के ऊपर क्या नाम है वो भी नाम डालने का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड यस करना है। उसके बाद में फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आ गया पूरा डिटेल, फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद में आधार के जो पैन कार्ड के ऊपर नाम है वो भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद में जेंडर जैसे कि मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, उसके बाद में फ़ोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, ठीक है, मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फादर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पूरा डाल दिया, ठीक है, और मदर्स नेम मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद में पेरेंट नेम इज प्रिंटेड बाय पैन कार्ड फादर का मैंने डाल दिया है। उसके बाद में एड्रेस कम्युनिकेशन में मैंने पूरे डिटेल्स भर दिए है, ठीक है। अब आगे की तरह चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंट्री कोड मैंने डाल दिया है, मोबाइल नंबर आ गए, मेल आईडी आ गई, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डू यू वांट टू सबमिट योर पैन कार्ड, ठीक है, फिजिकल एप्लीकेशन या डिजिटल सिग्नेचर या ई साइन या ई केवाईसी, ठीक है, तो मैंने ई केवाईसी पर क्लिक कर दिया है। NSDL ई गवर्ट सिग्नेचर RS 25.90, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मैंने डाल दिए सारे डिटेल, ठीक है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मैंने आधार कार्ड डाल दिया, प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने आधार कार्ड डाल दिया, उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में मैंने आधार कार्ड डाल दिया, और प्रूफ ऑफ पैन में मैंने कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन में मैंने अपना नाम डाल दिया,
उसके बाद में हिम सेल्फ हेयर सेल्फ ये डाल दिया, प्लस डाल दिया, उसके बाद में दिनांक आ गई। अब प्रोसीड पर क्लिक करना है सबसे नीचे, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है, आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट का, ठीक है। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट करना चाहते हो या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे पेटीएम, वीज़ा, डेबिट कार्ड, रुपए, या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद में 107.90, ठीक है, 107 रुपये और 90 पैसे इसके चार्ज लगेंगे, ठीक है। ई साइन के जो 5 रुपये और 90 पैसे यहाँ पर इंक्लूडिंग चार्ज है, इसके अलावा यहाँ पर पूरा चार्ज बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है आई एग्री का, ठीक है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, चेक मार्क, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास में पेज रीडायरेक्ट होगा। ये देखिए 107 रुपये और 90 पैसे का आपके सामने बताया। उसके बाद में ये ट्रांसैक्शन आईडी है। अब पे कंफर्म पर क्लिक करना है, ठीक है, पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा पेज यानी रीलोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, 107.90 अमाउंट है। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है NHDL ई गवर्ट पेन ऑर्डर, ट्रांसैक्शन आईडी ये नंबर है। अब पेमेंट मेथड कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, जो भी है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करूँगा या पेटीएम को करूँगा, तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेटीएम मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, तो मैं पेटीएम मोबाइल नंबर डालूँगा, ठीक है, ये डाल दिया। अब ये डालने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन, ठीक है, तो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, OTP फिल नहीं हो रहा है, तो चलो मैं दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ नेट बैंकिंग का। तो नेट बैंकिंग में देखो पंजाब नेशनल बैंक है, कोटक बैंक है, आंध्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो चलो मैं स्टेट बैंक इंडिया को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में देखो सेलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैंने स्टेट बैंक को सेलेक्ट किया। उसके बाद में पे एंड यहाँ पर पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद में ये पेज रीलोड होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाएगा SBI की, ठीक है। यहाँ पर देखिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पेज लेके आया। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में उसको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, पेमेंट। उसके बाद में जब पेमेंट का पूरा डिटेल आ जाए तो आप क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन, ये कंफर्म का ऑप्शन है ना, कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। तो कंफर्म पर क्लिक करते ही आपको यानी आपका ये टोकन कट जाएगा, और टोकन कटने के बाद में आपके सामने फॉरम शो होगा, ठीक है। फॉरम शो होने के बाद में जैसे कि देखिए ये मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करने के बाद में दोबारा कंफर्म मांगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वापस कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेरा फेल्ड हो गया है, तो यानी ये दूसरी वेबसाइट पर लेके जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वापस वो बैक आ गया, क्योंकि वो पेमेंट उसमें या तो वहाँ पेमेंट कम पड़ रहा था इसी वजह से। तो उसके बाद में जब फाइनल आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद में PDF की फाइल आपके सामने शो होगी, ठीक है, फॉरम की, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करने के लिए आपके पास में पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड में आपको जब वो फाइल आप PDF वाली ओपन करोगे तो पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि 09 जो भी आपकी है, जैसे कि 2 मार्च 1990, तो जैसे कि आपको 03 02 03, उसके बाद में आगे के जो भी उसके ईयर है वो डालना है, ठीक है, तो वो पेज यानी ओपन हो जाएगा। उसके बाद में उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रिंट आउट करने के बाद में दोनों पर फोटो लगा दे, और फोटो लगाने के बाद में आप अगर आप अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगाए, या साइन करते हो तो साइन करें। उसके बाद में आप उसको कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से NHDL की साइट
जो NSDL का एड्रेस है वहाँ पर आपको सेंड करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको जैसे कि आपको NSDL एड्रेस पर भेजना है तो वहाँ पर गूगल पर आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल में आपको टाइप करना NSDL पैन एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए ये सामने आ गया ना, 4th फ्लोर मंत्री स्टेरलिंग प्लॉट नंबर 341 सर्वेरी नंबर 997/8 नियर डीप बेंगलोक चौक मॉडल कॉलोनी चंदन नगर पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, 411016 ये एड्रेस है। इस एड्रेस को आप कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर सकते हो, और जब भी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप डाक भेजना चाहते हो तो उस लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस डालना है, तो यानी वो NSDL कंपनी में आपकी डाक चली जाएगी। उसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर आपका यानी पैन कार्ड करेक्शन होके आ जाएगा आपके पते पर, ठीक है, आपके एड्रेस पर। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।